फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके पास में लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हो, डिज़ाइनर विला है ये। बहुत ग्रीन लोकेशन के अंदर में है और जिस तरीके से बनाया है, एक कॉन्सेप्ट को नया देने का तरीका है इसमें, कि इन्वायरमेंट को लेकर के बड़ा, जैसे पेड़ को नहीं काटा जाए। तो ये देखते हुए जो है, इसके अंदर आप देख सकते हो पेड़ भी है। तो ये इस तरह का है, बड़ा अच्छा कस्टमाइज विला है 4 BHK का। और प्लॉट का डायमेंशन आप देख सकते हो, ये जो फ्रंट रोड है, बिजली पानी रोड है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है इसमें। और फॉरेस्ट और हिल फेसिंग के साथ में लगता हुआ ये विला है। 2200 स्क्वायर फिट का एरिया है ये, 30x30 का साइज़ है, 100 स्क्वायर यार्ड का। और माउंटेन और फेसिंग दोनों दिखाई देती हैं इसमें। ये मसूरी फेसिंग का है, जैसे आप देख सकते हैं ड्राइंग डाइनिंग का। अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन में, ड्यू टू, अभी आपको पता है कि कोविड के चक्कर में सारा जो अभी प्रॉब्लम आई हुई है, तो उसको देखते लेबर नहीं है अभी, इस वजह से काम रुक गया। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा ओवर लुक दिखाने आया था। काम ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट है। किचन का वर्क, अभी थोड़ा सा कैबिनेट्स आने हैं, वो हो जाएंगे पूरा। बाकी अंदर का बेडरूम्स के पूरा कम्प्लीटेड साइज़ है। सैनिटरी का पूरा कम वर्क हो चुका है। गैलरी सेक्शन पूरा कंप्लीट है। बालकनी का सेक्शन पूरा कंप्लीट है। हल्का सा 20% का काम पेंडिंग है, बाकी सब कंप्लीट है इसके अंदर में। और ये हमारे पास 2 यूनिट्स हैं 100 स्क्वायर यार्ड्स की। और एक फेसिंग हमारे पास मसूरी फेसिंग है, दूसरा हमारे पास जो है साउथ फेसिंग का है। तो पहली जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग का है, ये जो बैक साइड वाला जो होगा वो साउथ फेसिंग का होगा। 2 बेडरूम्स तो हमारे ऊपर में हैं फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे एक बेडरूम है, फिर उसके बाद हमारा टॉप फ्लोर पे भी एक बेडरूम ऊपर है। तो ये आप उसका ओवरलुक देख सकते हैं, हम माउंटेन्स का। इसी से फिर हम जो है ऊपर वाले बेडरूम की तरफ रुक करेंगे। एक बेडरूम हमारा टॉप फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे। आप उसको स्टोर के रूम पे, स्टडी के रूम पे, या अपने गेस्ट रूम के तौर पे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सर्वेंट के तौर पे। ये एक बेडरूम ऊपर है, उसमें टॉयलेट, किचन टॉयलेट अटैच है इसमें। और ये बालकनी हो गई है इसकी, देख सकते हैं। 3 बालकनियाँ हैं। और इसका ओवरलुक आप जब बालकनी से देखेंगे, इसके टेरेस एरिया से, तो 180 का पूरा माउंटेंस दिखाई देते हैं आपके टेरेस एरिया से। तो ये ओवरलुक है इसका, देख सकते हैं पूरा माउंटेंस फेसिंग, फॉरेस्ट पूरा दिखाई देता है इसमें। और इसमें मचान एरिया अभी इसमें इनकम्प्लीट है, उसके लिए रास्ता दिया हुआ है, स्टेयर्स दी हुई हैं। आप मचान हाउसेस भी बना सकते हैं आप ऊपर। तो ये बड़ा अच्छा साइजर और रोड का प्राइम लोकेशन पर है ये। और बाकी आप हमें बात कर सकते हैं। और ये इस पे लोन की अवेलेबिलिटी है, लोन जो है लगभग 40 लाख के आसपास में लोन की अवेलेबिलिटी है। और आप देख सकते हैं फार्म हाउसेस बने हुए हैं। रेंटल प्रॉस्पेक्ट से इसे अच्छा रिटर्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे आसपास इंस्टीट्यूशंस हैं, एनडी